ओम शांति। हम सभी को बाबा आए हैं बंधन मुक्त बनाने। माया के बंधनों से भी वे हमें मुक्त करते हैं, जिम्मेदारियों के बंधनों से भी मुक्त करते हैं, और लौकिक में अनेक बंधन मनुष्य के पास रहते हैं, उनसे भी वे मुक्त होना हमें सिखाते हैं। बंधन तो बंधन ही है, कभी कभी उन बंधनों में बंधा हुआ मनुष्य अपने को विवश भी पाता है और कभी कभी वो छोड़ भी नहीं सकता। लेकिन घर जाना है, संपूर्ण बनना है, एक उच्च स्थिति को प्राप्त करना है, तो बंधन मुक्त तो होना ही होगा। बाबा के महावाक्य हैं, जो जितना बंधन मुक्त होगा वो उतना ही योग युक्त होगा और जीवन मुक्ति में उसका उतना ही बड़ा पद होगा। चलो पद को छोड़ भी दें, पर जो जितना बंधन मुक्त है वो उतना ही यहाँ जीवन मुक्त के अनुभवों से संपन्न होगा। जीवन मुक्त अवस्था न केवल सतयुग में हमें प्राप्त होगी, लेकिन उसको यहीं पर प्राप्त करके हमें सतयुगी सुखों का अनुभव करना है। ये प्रकृति यद्यपि तमो प्रधान है, लेकिन हमारे लिए सुखदायी हो। संबंध बहुत सारे बंधन लेकर आए हैं, लेकिन हम उनमें भी बहुत हल्के रहना सीख लें, ये एक बहुत बड़ी कला है। और माया के बंधन ये तो सबसे प्रबल हैं, कर्म बंधन वो भी बहुत प्रबल हैं, न चाहते भी मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं, विवश कर देते हैं। तो हमें योग बल से, आत्मिक दृष्टि से, स्वमान के बल से, शरीरीपन के अभ्यास से इन बंधनों को तोड़ते चलना है। बीज कहाँ है? जितना जितना आत्मा इस देह के बंधन में बंधी है उतना उतना ही वो सब बंधनों में भी बंध गई है, और जितना जितना हम आत्माएं इस देह के बंधन से मुक्त होते जाएंगे तो ये कर्म बंधन, संबंधियों के बंधन स्वतः ही छूटते जाएंगे, क्योंकि इन सब का नाता देहभान से ही है। और जैसे जैसे देहभान से मुक्त होकर हम अशरीरी होकर श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होते जाएंगे तो ये माया के बंधन भी छूटते जाएंगे। छोड़ना तो हमें है ही, इन्हें छोड़ते चलें। काम का बंधन, क्रोध का बंधन, ईर्ष्या द्वेष का बंधन, अनेक इच्छाओं तृष्णाओं का बंधन, मोहों का बंधन, मैंपन और मेरेपन का बंधन, ये सब माया के बंधन हैं। बड़े स्वीट भी लगते हैं कभी कभी, लेकिन जैसे स्वीट खाने से शुगर बढ़ जाती है, ऐसे ये बंधन भी आत्मा को और जकड़ लेते हैं और ये बंधन बढ़ते ही जाते हैं। लेकिन हमें तो संपूर्ण बनना है, सभी किनारे छोड़ देने हैं। तो हम चेक कर लें हमने कौन कौन से किनारे पकड़े हुए हैं। कुछ जिम्मेदारियों के बोझ बाबा को देने का सुंदर अनुभव करें, क्या करता है बाबा। कुछ देह के बंधन इसी स्मृति से छोड़ दें कि ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। लेकिन डिटैच्ड एंड लविंग, न्यारे और प्यारे, इन दोनों का बैलेंस भी रख ले। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मनुष्य इतना ज्यादा डिटैच होने लगता है कि वो देह के संबंधों के प्रति अपने कर्तव्य को ही नकारने लगता है, इससे एक गलत संदेश जाने लगता है। तो हम आइए गहराई से चिंतन करें, कहाँ हम बंधे हुए हैं,
जहां बंधन होगा वो हमारे मन को बार बार डिस्टर्ब करेगा, उधर हमारा ध्यान बार बार जाएगा, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। इसलिए बाबा को सब कुछ समर्पित करके हम जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में रहें। और आज बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा यहाँ से निकली, इस देह से गई परम धाम में, बाबा के पास बैठ गई, उसके वाइब्रेशंस प्राप्त किए और फिर वापिस आ गई इस देह में, ये वाइब्रेशन संसार को देने के लिए, ये आने और जाने की प्रैक्टिस हमें डिटैच करेगी और जीवन मुक्त का अनुभव कराएगी। ओम शांति।